हेलो स्टूडेंट्स हमने कल के टॉपिक में देखा था कि ब्लॉक डायग्राम क्या है ठीक है आज हम देखेंगे ट्रांसड्यूसर नीड ऑफ ट्रांसड्यूसर और टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर ठीक है तो जैसे कि कल बताया था ट्रांसड्यूसर इज डिफाइंड एज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इन टू अदर दैट इज फिजिकल टू फिजिकल फिजिकल टू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल टू फिजिकल ठीक है और फिजिकल टू इलेक्ट्रिकल ठीक है एग्जाम्पल क्या है इसके गेज थर्मिस्टर थर्मोकपल्स बर्डन ट्यूब एक्सेट्रा ठीक है जैसे कि हमें सिम्पलीफाइड डायग्राम में देखा है जैसे एक ट्रांसड्यूसर है हमारा ठीक है क्या करता है ये वन फॉर्म ऑफ एनर्जी सपोज यहां पे लिया हमने टेम्परेचर तेंप, ठीक है ये है हमारा ट्रांसड्यूसर सपोज ये है एक थर्मीस्टर और इसे हम कन्वर्ट करते हैं अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब हमने टेम्परेचर को कन्वर्ट किया रेजिस्टेंस में ठीक है नेक्स्ट है हमारा नीड ऑफ ट्रांसड्यूसर, ठीक है क्या है हमारी ट्रांसड्यूसर की नीड ऑफ ट्रांसड्यूसर क्या है देखो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर आर यूज टू कन्वर्ट एनर्जी ऑफ वन काइंड इनटू अनादर अनदर काइंड ठीक है मतलब हम इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर को क्यों यूज करते हैं वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ठीक है सेकंड क्या है इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेजरमेंट प्रोसेस कंट्रोल इन इंडस्ट्रीज एज वेल एज इन अवर डेली लाइफ सिक्योरिटी सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम एक्सेट्रा ठीक है मतलब ये हमारे ट्रांसड्यूसर हम सिक्योरिटी सिस्टम में कम्युनिकेशन सिस्टम में हम यूज करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्या है आफ्टर एम्प्लीफिकेशन अगेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू साउंड सिग्नल फॉर दिस पर्पज लाउड स्पीकर इज यूज एट द आउटपुट ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन टू साउंड ठीक है मतलब हम लाउड स्पीकर में जो यूज करते हैं वो भी ट्रांसड्यूसरी रहता है हम सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं ठीक है नेक्स्ट अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूजर टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूजर कौन से हैं देखो एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसट्यूजर है एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर है और ट्रांसफर ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर है ठीक है तो सबसे पहले अब हम देखते हैं एनालॉग ट्रांसड्यूसर एनालॉग ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट एन इनपुट फिजिकल क्वांटिटी और फिनमिना इन एन एनालॉग आउटपुट विच इज अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम मतलब क्या एनालॉग ट्रांसड्यूसर क्या करता है फिजिकल क्वांटिटी को एनालॉग फॉर्म में वो कन्वर्ट करता है ठीक है और उसके एग्जाम्पल क्या है एलविडीटी स्ट्रेन गेज थर्मोकपल, थर्मिस्टर्स एक्सेट्रा नेक्स्ट डिजिटल ट्रांसड्यूसर ठीक है डिजिटल ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स एन इनपुट फिजिकल क्वांटिटी और फिनमिन डिजिटल ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट एन इनपुट फिजिकल क्वांटिटी और फिनमिन इन टू डिस्क्रीट स्टेप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटपुट विच इज इन द फॉर्म ऑफ पल्स ठीक है मतलब डिजिटल ट्रांसड्यूसर क्या करता है फिजिकल क्वांटिटी को हम किस इसमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे इसके एग्जाम्पल्स क्या है रोटरी एंड ठीक है एक्टिव ट्रांसड्यूसर एक्टिव ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट एंड इनपुट फिजिकल क्वांटिटी और फेनोमेनॉन इनटू इलेक्ट्रिकल आउटपुट विदाउट एनी एक्सटर्नल सप्लाई ठीक है मतलब ही क्या एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या करता है फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट करता है ठीक है उसका एक्सटर्नल सप्लाई चेंज किए बगैर ठीक है एग्जाम्पल्स क्या है इसके जनरेटर फोटोवोल्टाइक सेल थर्मोकपल्स पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर एक्सेट्रा नेक्स्ट इज

प्राइमरी ट्रांसड्यूसर प्राइमरी ट्रांसड्यूसर क्या है डिटेक्टर है विच सेंस फिजिकल फिनमिना मतलब जो भी उसको फिजिकल क्वांटिटी दी है वो उसे सेंस करेगा प्राइमरी ट्रांसड्यूसर का ये काम है एग्जाम्पल क्या है इसमें बर्डन ट्यूब नेक्स्ट इज सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर द फिजिकल पैरामीटर इज फर्स्ट सेंस बाय अ डिटेक्टर कन्वर्टेड इन अ अटेबल फिजिकल पैरामीटर

ठीक है उसका जो आउटपुट था प्राइमरी ट्रांसड्यूसर का वो हम क्या करेंगे सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर में उसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ठीक है ये हमारा काम रहेगा सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर का उसके एग्जाम्पल्स क्या है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर बाय बर्डन ट्यूब एलविडिटी ठीक है जहां पर एलविडिटी ये सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर एज अ वर्क करता है नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट एनी फिजिकल और मैकेनिकल क्वांटिटी डायरेक्टली इन टू वोल्टेज और करंट दैट इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रपोर्शनल टू द इनपुट इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूजर क्या करता है जो डायरेक्टली कन्वर्ट करता है फिजिकल और मैकेनिकल क्वांटिटी को वोल्टेज और करंट में मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वो डायरेक्ट उसको कन्वर्ट करता है प्रपोर्शनल टू द इनपुट मतलब इनपुट जो है वही हमारा इसमें आउटपुट हमें मिलेगा ठीक है इसका एग्जाम्पल क्या है थर्मिस्टर्स विच कन्वर्ट्स द टेम्परेचर इंटू रेजिस्टेंस जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था एग्जाम्पल मतलब जब हमने देखा था ट्रांसड्यूसर क्या है ठीक है वैसे ही सेकंड इसका एग्जाम्पल क्या है पोटेंशियोमीटर विच कन्वर्ट्स एंग्यूलर डिस्प्लेसमेंट इंटू रेजिस्टेंस नेक्स्ट है मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर्स मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर्स इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स एनी फिजिकल और मैकेनिकल क्वांटिटी इनटू अनदर मैकेनिकल और फिजिकल क्वांटिटी प्रोपोर्शनल टू द इनपुट मतलब भी क्या मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर क्या करेगा जो फिजिकल और मैकेनिकल क्वांटिटी को मैकेनिकल और फिजिकल क्वांटिटी में ही कन्वर्ट करेगा ठीक है इसका एग्जाम्पल क्या है बर्डन ट्यूब्स बेलू डायफाग्राम एक्सेट्रा नेक्स्ट हमने ट्रांसड्यूसर तो देखा ही था ठीक है ट्रांसड्यूसर आर डिवाइस विच कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू फिनमिनल और फिन इंटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी ठीक है हमने वो ट्रांसड्यूसर देखा था एग्जाम्पल है इसका थर्मिस्टर नेक्स्ट इज इन्वर्स ट्रांसड्यूसर इन्वर्स ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी और फिनोमिन इंटू नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एग्जाम्पल क्या है इसके पेजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स मतलब अप्लाइड वोल्टेज इज कन्वर्टेड इन इंटू मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट That's it for today's lecture.